नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सभवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको टेक्ट्रा इम्प्लांट का लाइव वीडियो दिखाऊंगा। ये वाले जो पेशेंट थे, इनकी एज 65 थी और इनकी पेनाइल लेंथ अच्छी थी। ये अमेरिका से आए हैं, इनकी लेंथ 6.5 इंचेस थी और गर्थ भी अच्छी थी पेनिस की, तो इनका साइज पेनिस का काफ़ी अच्छा था और अब ये इम्प्लांट कराना चाहते थे। इनको अमेरिका में डॉक्टर्स ने इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के बारे में रिकमेंड किया था, लेकिन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक तो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं तो उसकी लाइफ कम होती है और दूसरा उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका चॉइस था कि वो मैलेबल इम्प्लांट कराएं। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा मैलेबल इम्प्लांट इनके लिए बेस्ट होगा, तो मैंने इनको टेक्ट्रा इम्प्लांट रिकमेंड किया, क्योंकि एक तो इनकी लेंथ अच्छी थी और साथ में पेनिस की गर्थ अच्छी थी, काफ़ी भारी पेनिस थी। अगर भारी पेनिस हुए तो उसकी अच्छी रिजिडिटी के लिए टेक्ट्रा इम्प्लांट बेस्ट होएगा। तो आइए इनका लाइव वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हैंड वॉश करते हैं, हमेशा हम लोग रनिंग वाटर में अच्छी तरह 10 मिनट स्क्रब करते हैं। ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हमने लिया है, इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को 10 मिनट के लिए रब करेंगे, जिससे जितने भी हाथ के बैक्टीरिया हैं, फंजे हैं, वायरसेस हैं, वो सारे इससे डेड हो जाते हैं। अच्छी तरह हाथ को स्क्रब करके पूरी स्टेरिलिटी के बाद ही इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। ऐसे 10 मिनट स्क्रब हम लोग, एक तो डॉक्टर खुद करता है, जो स्टाफ है जिसने मेरे को असिस्ट करना है उन्होंने सब ने 10 मिनट स्क्रब किया है, और पेशेंट को भी हम लोग 10 मिनट के लिए स्क्रब करते हैं। तो जो पहले सर्जरी के हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये 10 मिनट स्क्रब जो है ये बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। हमेशा सर्जरी के टाइम पे डबल ग्लव्स पहनते हैं। तो सबसे पहले हम सर्जरी शुरू करने से पहले आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। एक बटरफ्लाई नीडल को कॉर्पोरा में डाल के सलाइन इन्फ्लेट करके आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल इरेक्शन से पूरी इरेक्शन आती है, उससे एग्जैक्ट पेनिस का साइज पता चलता है, कोई कर्वेचर है कि नहीं है वो पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि और कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं है। पूरी एग्जैक्ट शेप और साइज़ पता चल जाती है, फुल लेंथ पता चलती है, जिससे हम मैक्सिमम साइज़ का इम्प्लांट डाल सकें। जो हम इम्प्लांट डालते हैं वो इरेक्ट लेंथ जितना इम्प्लांट होता है, तो जितनी मैक्सिमम इरेक्ट लेंथ है वो करके उतना ही साइज़ का इम्प्लांट डालते हैं। आस्ते आस्ते आर्टिफिशियल इरेक्शन हो रही है, पेनिस इरेक्ट हो रहा है। अभी हमने जो लेंथ मेजर करी है ये ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब 6.5 इंच, और गर्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने सोचा है कि इनका हम लोग टेक्ट्रा इम्प्लांट 13 मिलीमीटर डालेंगे। आर्टिफिशियल इरेक्शन करने के बाद एक कैथेटर डालते हैं। सर्जरी के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल पिनोस्कोटल इंसिजन यूज़ करते हैं। पहले हम लोग एक लंबा इंसिजन यूज़ करते थे, लेकिन उस टाइम पर हमने देखा कि एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं होता, और दूसरा कभी कभी स्क्रोटम खुल जाता था, जबकि सर्जरी हम लोगों को पेनिस में करनी है। तो अब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पिनोस्कोटल इंसिजन देना स्टार्ट कर दिया, इससे स्कोटम भी नहीं खुलता और एक्सपोजर भी अच्छा है। इंसिजन करके अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनको डिसेक्ट करके सीधा कॉर्पोरा तक जाएंगे, ताकि कॉर्पोरा में फिर ओपनिंग करके इम्प्लांट डाल सकें। मैलेबल इम्प्लांट का ये फ़ायदा है, सिर्फ दो रॉड्स डालनी होती हैं, ज़्यादा पेसेज नहीं खोलनी होती, तो इसलिए हीलिंग काफ़ी क्विक है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम है। अब हमने कॉर्पोरा को डिसेक्ट कर लिया है, इस ब्लेड से हम लोग कॉर्पोरा को ओपन करेंगे।
कॉर्पोरा को खोलने के बाद डायलेटर से हम लोग जगह बनाते हैं ट्यूनिका के अंदर, जहाँ से हम लोग जगह बना के इम्प्लांट डालेंगे। मैक्सिमम डायलेटेशन करते हैं ताकि मैक्सिमम साइज का इम्प्लांट लगे। अब हमने इनका डायलेट कर लिया 13 मिलीमीटर डायमीटर तक, अच्छी तरह मिड ग्लांस में फील हो रहा है। अब हम मेजर करेंगे। तो इनका जो हमने मेजर किया है डिस्टली 10 सेंटीमीटर। और अप्रॉक्सीमेटली 12 एंड हाफ, तो 10 और 12 एंड हाफ, टोटल 22 एंड हाफ। लेंथ काफ़ी अच्छी है 22 एंड हाफ सेंटीमीटर्स। अब एक साइड को डायलेट करके हम लोगों ने 22 सेंटीमीटर्स लेंथ मेजर करी और 13 मिलीमीटर डायमीटर। अब हम ब्लेड से दूसरा कॉर्पोरा खोलेंगे। दो कॉर्पोरा होते हैं, दोनों साइड पे जगह बना के हम दो इम्प्लांट डालते हैं। अब कॉर्पोरा खोल के हम लोग इस डायलेटर से इसको डायलेट करेंगे। अब हम डायलेट करके मेजर कर रहे हैं दूसरी साइड, 21 हाफ ऑफ 22। तो अब हम लोगों ने दोनों कॉर्पोरा को डायलेट कर दिया है। दोनों का जो साइज आया है, लेंथ 22 सेंटीमीटर और गर्थ 13 मिलीमीटर। तो हम दो इम्प्लांट 13 मिलीमीटर के डालेंगे 22 सेंटीमीटर्स के। तो ये देखिए ट्रैक्टरा का 13 मिलीमीटर साइज, 13 मिलीमीटर इम्प्लांट 27 सेंटीमीटर्स तक लंबा हो सकता है। हम लोगों ने इनकी साइज़ 22 करा है मेजर, तो हम 22 सेंटीमीटर का इम्प्लांट डालेंगे 13 मिलीमीटर के डायमीटर। इम्प्लांट खोलने से पहले हम लोग जो ब्लड वाले ग्लव्स हैं वो हटा लेते हैं और क्लीन ग्लव्स के साथ इम्प्लांट को हैंडल करते हैं। ये दो इम्प्लांट्स हैं, ये 13 मिलीमीटर के इम्प्लांट्स हैं। देखिए काफ़ी मोटा इम्प्लांट है। दोनों इम्प्लांट्स को एक साथ आप रखोगे तो रिजिडिटी अच्छी होती है। और ये देखिए बेंड भी हो रहा है। और इसमें मेमोरी होती है, इसमें निटिनॉल कोर होता है जिसकी वजह से मेमोरी होती है। मेमोरी की वजह से ये इम्प्लांट नीचे बेंड कर सकता है और नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इंडियन इम्प्लांट में स्प्रिंग बैक करता है। इसको जब सेक्स करना है तो स्ट्रेट करके फिर आप सेक्स कर सकते हो और हमेशा वैसे नीचे रहेगा। इसको हम लोग 22 सेंटीमीटर्स कट करेंगे क्योंकि यही हमने मेजर किया था। और इसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। दूसरे इम्प्लांट को भी 22 सेंटीमीटर्स कट करेंगे। रेड टिप एक्सटेंडर लगाते हैं और एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में। इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन और फ्लुकोनाजोल, ये तीन एंटीबायोटिक्स होती हैं जिससे हम लोग एंटीबायोटिक कोटिंग करके उसके बाद इम्प्लांट को बॉडी में लगाते हैं। इम्प्लांट लगाने से पहले एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से हम लोग पूरे वुंड को भी इरीगेट करते हैं। दोनों कॉर्पोरा में एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का वॉश देते हैं। अब ये वाला इम्प्लांट हम लोग एक कॉर्पोरा में डालेंगे। अब एक साइड हम लोगों ने इम्प्लांट डाल दिया, दूसरी साइड फिर से एंटीबायोटिक वॉश करके हम लोग दूसरा इम्प्लांट भी डालेंगे। पहले ये एंटीबायोटिक वॉश कर रहे हैं। अब हम ये वाला इम्प्लांट दूसरे कॉर्पोरा में डालेंगे। सो दो कॉर्पोरा में दो इम्प्लांट लगते हैं। तो अब हमने दोनों कॉर्पोरा में दो इम्प्लांट डाल दिए हैं। इम्प्लांट्स वेल प्लेस्ड हैं, दोनों इम्प्लांट्स मिड ग्लांस में फील हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी फिटिंग है, कोई ज़्यादा टाइट नहीं है, कोई ओवर साइजिंग नहीं है। फिर से हम लोग एंटीबायोटिक वॉश दे रहे हैं। बार बार हर स्टेप पे हम एंटीबायोटिक वॉश देते हैं ताकि अच्छी तरह वुंड में एंटीबायोटिक कोटिंग बनी रहे और इन्फेक्शन ना हो। और अब हम लोग कॉर्पोरा को क्लोज करेंगे।
एक साइड का कॉर्पोरा बंद कर दिया, दूसरी साइड जा रहे हैं, दूसरी साइड का कॉर्पोरा बंद करेंगे। अब हमने दोनों को कॉर्पोरा बंद कर दिया और एंटीबायोटिक से वुंड को इरिगेट कर रहे हैं। अब कॉर्पोरा बंद करने के बाद लेयर बाय लेयर सारी स्क्रोटल लेयर्स बंद करेंगे और उसका स्किन क्लोज कर देंगे। हम लोग ऊपर वाली लेयर्स दो या तीन लेयर में बंद करते हैं ताकि सारी इम्प्लांट से स्किन की कोई कम्युनिकेशन ना रहे और अच्छी तरह सीलिंग हो जाए, जिससे कि बाहर की इन्फेक्शन इम्प्लांट में ना जाए। तो फ्रेंड्स, आपने इस केस में देखा, हम लोगों ने ट्रैक्टर इम्प्लांट की लाइव सर्जरी करी है। पेशेंट की लेंथ भी अच्छी आई है, गर्थ भी अच्छी आई है और हार्डनेस भी अच्छी है। लंबे पेनिसेस में जिनको मैलेबल इम्प्लांट करना है उसमें ट्रैक्टर इम्प्लांट बेस्ट इम्प्लांट है, क्योंकि इसमें लंबे पेनिस में हार्डनेस अच्छी दे सकता है। अगर आपको भी पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करानी है और आप ट्रैक्टर इम्प्लांट या और कोई इम्प्लांट कराना चाहते हैं और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।